एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आज आपको बताऊंगी कि डैमेज हेयर को रिपेयर कैसे कर सकते हैं, वो भी घर में, और वो भी बहुत जल्दी इफेक्टिव सा एक तरीका बताऊंगी। और बहुत ही आसान सा है, सिर्फ एक चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी। एंड क्योंकि अब क्या हो रहा है कि डैमेज हेयर क्यों हो जाते हैं हमारे, कि एक तो ऐसा है कि केयर नहीं करते जो लोग, उनके बाल डैमेज होंगे ही होंगे, कंडीशनर यूज़ नहीं करते, प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो उनके तो डैमेज होंगे ही होंगे। साथ ही हम लोगों के क्या हो रहा है कि हम खुद से डैमेज करते हैं बाल अपने। वो क्यों? क्योंकि ट्रेंड में है आजकल कि केराटिन करवाइए, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग ये सब कराइए, स्ट्रेटनर हम यूज़ करते हैं, इतने सारे हीटिंग टूल्स अब अपने बालों में यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं डैमेज होगा ही होगा, क्योंकि केमिकल भर भर के होता है सारे प्रोडक्ट्स में। हम लोग जानते हैं ये बात कि केमिकल होता है, लेकिन हमें लुक एक अपना अच्छा चाहिए होता है कि स्ट्रेटनिंग हो जाएगी तो लुक बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद एक प्रॉपर केयर करनी पड़ती है, और वो केयर बहुत ज़्यादा लोग, कुछ लोग कर पाते हैं घर में, लेकिन ज़्यादातर लोग घर में उतनी केयर नहीं कर पाते। सीरियसली बताऊँ, नहीं हो पाती उतनी केयर, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी नहीं कर पाती हूँ घर में इतनी केयर। तो क्या है कि बाल डैमेज हो जाते हैं, रफ एंड ड्राई एंड फ्रीजी, और वो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं। उसके लिए आपको केराटिन करवाना पड़ेगा, उसमें भी केमिकल होता है, लेकिन उसमें क्या है कि वो एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है, आपके बालों में प्रोटीन डाल देते हैं, बालों में जान आ जाती है, लेकिन सिर्फ 2 से 2.5 महीने के लिए। उसकी भी एक प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। जब आप घर में वही वाला शैम्पू, वही वाला कंडीशनर, बहुत सारे मास्क वगैरह लगाएंगे तो उसका रिजल्ट आपका 3 से 4 महीने तक चल जाता है, नहीं तो वो भी 2-2.5 महीने चलता है। उसके बाद फिर आप 5,000 रुपये लगाएं, 6,000 रुपये लगाएं अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, और फिर से आप केराटिन कराएं। लेकिन अब साल में कोई भी 4-5 बार केराटिन नहीं करा सकता ना, इसलिए कुछ भी आसान सा तरीका ऐसा मिल जाए कि घर में आप उतनी केयर कर पाएं बालों की कि डैमेज रिपेयर हो जाए। अगर डैमेज या तो हो ही नहीं, अगर हो भी गया है तो उसको जल्दी से रिपेयर आप कर पाएं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऐसी अच्छी अच्छी सी वीडियोस को और बहुत इफेक्टिव सी वीडियोस को आगे भी देखने के लिए। ये जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मैंने खुद से ट्राई किया है। मैंने अपने बालों में कलरिंग करती हूँ, रेगुलर कलर करती हूँ, हाईलाइटिंग कराई है, और हाईलाइटिंग के बाद, उसके बाद बालों का जो हशर हुआ था ना, बहुत बुरे बाल हो गए थे, क्योंकि हाईलाइटिंग में ब्लीच होता है, ब्लीच तो पूरे ही मॉइस्चर को ख़त्म कर देता है बालों के, तो बहुत मुश्किल से मैंने रिकवर किया है। ये रेमेडी जो आपको बता रही हूँ, ये यूज़ कर करके मैंने अपने बालों को रिकवर किया है। साथ ही मैंने अपने बालों में स्मूथनिंग भी की थी, जिसके वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो कि उस तरह से अगर करते हैं तो थोड़ा सा कम डैमेज होता है, लेकिन केमिकल है तो डैमेज होता ही होता है अगर केयर नहीं करो तो। तो आपको करना क्या होगा, आपको लेना है एक बाउल, और आपको ये लेना है सरसों का तेल, मैं यूज़ करती हूँ, आपको लेना है अपने हेयर के अकॉर्डिंग। मैं अमाउंट नहीं बताऊँगी, 4 चम्मच 5 चम्मच, आपके हो सकता है बाल लंबे हों या हो सकता है आपके बाल छोटे हों, तो ये आपको लगाना है अपने बालों की लेंथ में, पूरी लेंथ में आपको ये लगाना है, स्कैल्प पर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। स्कैल्प पर ऑयल लगाइए आप, जो भी आपका फेवरेट ऑयल है वो आप अपनी स्कैल्प पर लगाइए, हफ्ते में 2 बार कम से कम ऑयलिंग कीजिए, लेकिन ये आपको लगाना है, सिर्फ लेंथ में लगाना है, और लेंथ में इतना ज़्यादा लगाना है कि पूरे बाल आप कैसे लगें, जैसे आपने तेल के अंदर पूरा सिर ही डुबा दिया हो, बिल्कुल ऐसा कि अगर थोड़ा और लगा लेंगे तो टपकना शुरू हो जाएगा, इतना ज़्यादा ये भर के आपको लगाना है पूरे बालों की लेंथ में, ठीक है। मैं इसी तरह से इसको लगाती हूँ, और इतना ज़्यादा मतलब लगा लेती हूँ कि मेरा एक भी बाल नहीं बचता है ऑयल से, कि एक भी बाल आपका रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा भर के ये आपको बालों की लेंथ में लगा लेना है, और उसके बाद हो सके तो कंघा कर लें, जिससे कि एक भी बाल बचे नहीं। सिर्फ 5 मिनट रखना है, सिर्फ 5 मिनट। प्रॉपर तरीका सुनिएगा पूरा ध्यान से, उसी तरीके से करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो सिर्फ 5 मिनट आपको बालों में लगा कर रखना है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो बालों को पहले गीला कर लें, उसके बाद ऑयल भर भर के लगा लें, या तो फिर आप सूखे बालों में भी लगा सकते हैं। मैं गीला नहीं करती, मैं सूखे बालों में ही लगाती हूँ। थोड़े थोड़े से बाल लेकर मैं पूरे बालों में अच्छे से डिप कर करके लगा लेती हूँ। जड़ों में नहीं लगाना, सिर्फ लेंथ में लगाना है। जितनी भी लेंथ है, जितने भी बाल आपके लंबे हैं, सिर्फ उतनी लेंथ में आपको ये ऑयल लगाना है। आप इसकी जगह नारियल का तेल भी ले सकते हैं, अगर आपके लिए वो अच्छा है, वो लगता है आपको, वो सूटेबल है, तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं, या तो फिर सरसों का तेल। आपको इसके अलावा कोई और ऑयल नहीं लेना, जैसे कि आप नेचुरल ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं आप, नारियल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, लेकिन खुशबू वाले जो मार्केट में ऑयल आते हैं, जो लाइट वेट होते हैं, वो वाले नहीं लेने आपको, यही नेचुरल ऑयल आपको इसी तरह के लेने हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट छोड़ने के बाद आप अपने हेयर को वॉश करेंगे। वॉश करने का क्या तरीका है, ये भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि सिर्फ आपको उतना शैम्पू अपने हाथों में लेना है जितने शैम्पू से आपके स्कैल्प क्लीन हो जाए, ठीक है, जितनी सिर्फ आपके बालों के जड़ों में लग जाए शैम्पू। ज़्यादा शैम्पू नहीं लेना, आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा ऑयल आपने अपने बालों की लेंथ में भर लिया है, तो उसको निकालने के लिए आपको डबल ट्रिपल शैम्पू लगेगा, लेकिन नहीं,
ऐसा नहीं है। अगर आप ओवर शैम्पू कर लेंगे, एक हद से ज़्यादा शैम्पू कर लेंगे, तो फिर इसका लगाने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। आपको सिर्फ उतना ही शैम्पू लगाना है जितने शैम्पू में आपकी स्कैल्प, आपके जो बालों की रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो क्लीन हो जाएँ, ठीक है। शैम्पू आपको अपने हाथ में लेना है या किसी भी मग वगैरह में ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कीजिए, उसको सिर्फ बालों की जड़ों में लगाइए और अपनी इस तरह से फिंगर टिप्स से आप हल्के सिर में 1 मिनट मसाज करते रहिए। बालों को आपको बिल्कुल भी पकड़ के इस तरह से रब नहीं करना है, ठीक है। एक सेकंड इसको एक तरफ रख देते हैं। बालों की जो लेंथ होगी इस तरह से, उसको आपको पकड़ के, मतलब ऐसे भी क्लीन नहीं करना, रगड़ना नहीं और ऐसे भी रगड़ना नहीं, सिर्फ जो झाग निकल रहे हैं उसको निकलने देना है, बालों को रगड़ना नहीं है। उससे खुद ब खुद आपके बाल क्लीन होंगे और उतना ऑयल निकल जाएगा जितना भी ऑयल आपके बालों में एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल होगा वो निकल जाएगा, फिर आप उसको अपने बालों को पूरे बालों को धो देंगे, पानी से अच्छे से रिंस आउट कर लेंगे, पूरा शैम्पू निकाल देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बालों को रगड़ना तो था ही नहीं, जितना भी हमने अपने हेयर को वॉश कर लिया है, जड़ों को अच्छे से, अपनी स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर लिया है, जो शैम्पू हमारे बालों से होकर निकला है वो पूरा ऑयल अपने साथ ले जा चुका है, जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो ले गया है, जो हमें मॉइस्चर अपने बालों में चाहिए था, जो ड्राई एंड फ्रीजी हेयर को, डैमेज हेयर को रिकवर करने के लिए हम जो प्रोसेस लगाया है, जो ऑयल लगाया था, वो उतना ऑयल हमारे बालों में रह जाएगा, ठीक है। चिपचिपे बाल नहीं रहते हैं। मैं भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये कंफ्यूज थी कि इस तरह से, मतलब मैं बालों को रगड़ लूँ, तो मैंने ये मिस्टेक की थी, मैंने बालों को रगड़ लिया और फिर मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन फिर मैंने क्या सेकंड टाइम से ये शुरू किया कि मैंने बाल को ज़रा भी टच नहीं किया, सिर्फ स्कैल्प को अपने साफ़ किया और शैम्पू लगा के और बालों से ऐसे रिंस आउट कर दिया, तो मैं ये हैरान थी कि इतना ऑयल भरने के बाद भी वो सिर्फ झाग से कैसे मेरा पूरा ऑयल निकल गया, क्योंकि लेंथ में जो होता है बाल पूरे झाग से ही साफ़ हो जाते हैं, और इसीलिए वो हम क्या करते हैं, ओवर शैम्पू कर लेते हैं, उनको अच्छे से इस तरह रगड़ते हैं, तो इसीलिए वो हमारे बाल और ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं, बाल डैमेज हो जाते हैं और फ्रीजी ड्राई बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो आपको कभी भी बालों को रगड़ना नहीं है, ठीक है। अब हमने शैम्पू अच्छे से कर लिया, अब आपको कंडीशनर लगाना है, क्योंकि शैम्पू का काम होता है हमारे स्कैल्प को, हमारे बालों को क्लीन करना। जैसे कि हम फेस को वॉश करते हैं, तो फेस वॉश यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन को क्लीन करने के लिए होता है, और फिर हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, तो मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नरिश बनाता है। तो इसीलिए जो हमारा ये कंडीशनर होता है, कंडीशनर कोई भी जो भी आप यूज़ करते हैं, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ इसलिए सिर्फ ये दिखा रही हूँ, लेकिन ब्रांड का नाम नहीं इस पर नहीं जाइएगा, जो भी कंडीशनर आप यूज़ करते हैं कोई भी, तो आपको क्या करना है, उसके बाद कंडीशनर करना है। ये हमारे बालों का मॉइस्चराइज़र होता है, कंडीशनर ये हमारे बालों को मॉइस्चराइज़ करता है, तो काफ़ी हद तक स्मूथ एंड सॉफ्ट मैनेजेबल बालों को बना देता है कंडीशनर। उसके बाद आपको कंडीशनर, आपने शैम्पू कर लिया, कंडीशनर कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, टॉवल से रगड़कर आपको बालों को नहीं पोंछना, आप सिर्फ बालों को 5 मिनट के लिए टॉवल से बांध लेंगे, जिससे कि पानी थोड़ा सा सूख जाए, पानी बालों में ना रहे। उसके बाद सिर्फ 5 मिनट, उससे ज़्यादा बालों में आपको तौलिया नहीं बांधना, क्योंकि तौलिया भी हमारे बालों को फ्रीजी बनाता है, ठीक है। और उसके बाद आप तौलिया उतार देंगे, कोई भी आप पुरानी टी शर्ट ले लीजिए, उससे अपने बालों को अगर थोड़ा सा कवर कर लीजिए अगर करना चाहते हैं, क्योंकि टी शर्ट सॉफ्ट होती है और वो बालों के लिए अच्छी होती है, ठीक है, उससे बालों में फ्रीज नहीं आता है, डैमेज नहीं होता है। तो अब जब आपके बाल 90% तक ड्राई हो जाएंगे, अब आपको एक स्टेप और फॉलो करना है। उसके लिए आपको इस तरह से एक स्प्रे बोतल लेनी होगी, कोई भी बोतल लेनी होगी इस तरह आपको, और आपको लेना है पानी, तो इसमें कम से कम 6 से 7 चम्मच मैं पानी ले लूँगी, ये हाफ बोतल के करीब मैं इसमें पानी ले लूँगी। देखिए मैंने इसमें आधे से भी आधा थोड़ा सा इतना पानी ले लिया है, और ये कम से कम 8 से 10 स्पून है, मैंने 6 से 7 का था लेकिन मैंने इसमें 8 से 10 स्पून पानी ले लिया है। अब हम अपना कोई भी कंडीशनर लेंगे और इसमें हम करीब 1 या 2 ड्रॉप कंडीशनर डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ इतना सा कंडीशनर डालना है। आप कैप लगाइए और इसको बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, जिससे कि पानी में कंडीशनर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, कंडीशनर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 बूंद, कम से कम 10 चम्मच पानी अगर आप लेते हैं, 10 स्पून पानी, इतनी बड़ी बोतल अगर आप हाफ लेते हैं तो सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप आपको कंडीशनर इसमें मिक्स करना है। उसके बाद जब आपके बाल 80-90% ड्राई हो जाएंगे और आपको ये लगेगा कि थोड़ा बहुत भी आपके बालों में ड्राइनेस या फ्रीजीनेस आ रही है, उसके बाद आप इससे अपने बालों में स्प्रे करेंगे,
ठीक है, ये आपका लीव इन कंडीशनर बनाया है हमने, ये लीव इन कंडीशनर है। लीव इन कंडीशनर क्या करता है, बालों को मैनेजेबल बनाता है और उसको लगाकर आपको वॉश नहीं करना पड़ता। तो आप इसको लगाएंगे, अच्छे से बालों में लगा लेंगे, और ये जड़ों में नहीं लगाना, कंडीशनर बालों की जड़ों में नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता, बालों को डैमेज नहीं बनाता, बालों को ऐसा नहीं है कुछ नुकसान हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र होता है कंडीशनर हमारे बालों का, तो ये हमारे बालों को मॉइस्चराइज़ करता है, नरिश बनाता है। जब हम इसको स्कैल्प में लगाते हैं तो हमारी स्कैल्प को भी ऑयली बना देता है। इतना सा रीज़न है कि कंडीशनर को हम स्कैल्प में नहीं लगाते, ऑयली बना देता है स्कैल्प को इसलिए। ठीक है, तो इसको आपको सिर्फ बालों की लेंथ में ही लगाना है। जितनी लेंथ में हमने सरसों का तेल लगाया था, ऑयल लगाया था, उतनी ही लेंथ में आपको ये थोड़ा थोड़ा करके पूरे बालों में लगा लेना है और बालों को कॉम कर लेना है। और एक ही बार के यूज़ में आप इसका रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे आकर कि मैंने आपको कितनी इफेक्टिव रेमेडी बता दी है। क्योंकि जिनके बाल डैमेज होते हैं वो रिपेयर करने में लगे हुए होते हैं, रिपेयर नहीं हो रहे होते हैं, उनकी क्या कंडीशन होती है मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किस तरह अपने हाइलाइटिंग के बाद बालों को रिपेयर किया है। बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। तो इसको प्लीज़ ट्राई कीजिए, बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। इसको मैंने खुद भी ट्राई किया और आज भी मैं इसको ट्राई करती हूँ, मतलब आज भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आपने मैंने इसको आपको ये दिखाया था, ये मैंने रखा हुआ है भर के, देख रहे हैं थोड़ा सा खाली भी हो चुका है। तो जब तक मैं इसको नहीं लगाती हूँ ऑयल को, मैं अपने हेयर को वॉश नहीं करती हूँ। इसको ट्राई करके देखिए, बहुत इफ़ेक्टिव है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के टाइम में 90% लोगों के बाल आपको डैमेज मिलेंगे। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है, बहुत ही आसान सा और बहुत चीप सा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो आप इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी ऐसी ही यूज़फुल सी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। अगर चाहते हैं कि किसी और प्रॉब्लम का सलूशन आपको बताऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आकर बताइए, मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ फिर से लेकर आती रहूंगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों ऐसी ही यूज़फुल सी वीडियो, ऐसी ही यूज़फुल सी रेमेडीज़ को मैं लेकर हमेशा ऐसे ही आती रहूंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।